आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेगूसराय में हत्याओं का दौर जारी, युवक को सरेआम मारी गोली, पुलिस देख रही लाचार। बेगूसराय में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता है। इस कड़ी में आज एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने शाम ढलते ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त FCI OP क्षेत्र के बेघट के मसलंदपुर निवासी स्वर्गीय उगन देव महतो के 21 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि वह वट सावित्री पूजा में शामिल होने अपने घर से अपनी बहन के यहाँ बाइक से लाखों जा रही थी। बीच में हरपुर स्थित डायमंड के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। किसने और क्यों की फिलहाल इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। नहीं, वो हमको मालूम, वो आ रहा था लाखों भगनी का, वो बरसात पूजने का समय आ गया निकल में, वो सामान वो लेकर वही सामान लेके आ रहा था। कौन मारा, कैसे मारा, कुछ पता कौन मारा, वो हमको मालूम है। हम तो लाखों में रहता है, वो उधर से आ रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मसलनपुर से इधर लाखों आ रहा था सर। मसलनपुर से लाखों आ रहा था, हरपुर ढला पे इसको गोली मार दिया। कितना मिला? कितना मिला तो मैंने फुल पंप के कहना चाहिए, किस पर गोली व्यक्ति लगा हुआ है। हम लोग आए लेकिन तो मर गया था, उसकी काट लें हॉस्पिटल में जाँच जारी। क्या नाम है आपका सर? धर्मराज।